जोहर ऑफिशियल, आज का मेरा जो टॉपिक है वो कार्बेटर पे है। ये सुजुकी GS150 का कार्बेटर खोला है मैंने। इसमें इशू क्या था वो आप सबको मैं गाइड करूँगा। अक्सर तकरीबन ये बाइक के अंदर इशू आता है, जब सुबह में बाइक स्टार्ट करते हैं सेल्फ पे, स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन जैसे एक्सलेटर देते हैं फ़ौरन बंद हो जाती है गाड़ी। क्यों होती है वो मैं आपको गाइड करूँगा, उसकी वजह क्या है। ये देख रहे हैं ये पेट्रोल जेट है ना, इसमें अगर एक छोटा सा समझो कि बाल बराबर भी कचरा आ जाएगा तो ये इशू लाजमी करेगा। इसका टैंक बहुत ख़राब हुआ हुआ है, ये देखें टैंक मैंने अंदर से ऑयल पेंट करवा चुका हूँ, ठीक है टैंक साफ़ हो गया। अब हमने कार्बेटर खोला है इसका, कार्बेटर किससे क्लीन करना है इसका, ये नासा का क्लीनर लाया हूँ इससे क्लीन करना है, पेट्रोल से वॉश कार्बेटर नहीं करना है इसका, ठीक है। इसकी क्यों नहीं करना वो वजह भी आपको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है क्यों नहीं करना। इसकी बटरफ्लाई लगी हुई होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह खोल के दिखाऊँगा आपको। रबड़ वो फूल जाती है, उस पर पेट्रोल लगेगा वो फूल जाएगी, ठीक है वो रबड़ ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से असल मेन वजह यह है, इस वजह से इस कार्बेटर को पेट्रोल से वॉश नहीं करते। तो क्लीनर से वॉश करें इंशाल्लाह ओके की रिपोर्ट में वॉश हो जाएगा। ये जेट भी खोलेंगे हम, खोल कर दिखाई देता हूँ आपको ना मैं। ये देखिए जेट खोल चुका हूँ मैं, ठीक है इस तरह से खोल लेना है, इसको क्लीन करना है। ये बटरफ्लाई है, इस पर अगर पेट्रोल लग जाएगा तो ये रबड़ फूल जाएगी, इस वजह से ये पेट्रोल से वॉश नहीं होता, ये क्लीनर से ही वॉश होता है। ओके हो गया,